अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ का सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है वेजिटेबल राइस, और ये जो मतलब सब्जियों वाले चावल आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, और सीज़न की ये मतलब रेसिपी है। और हम लोगों ने सोचा कि आज, क्योंकि ये जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं इनके साथ आपको हम जो सी है राइस की रेसिपी वो सिखा दें। तो अब हम जानते हैं कि जो वेजिटेबल राइस है ये कैसे बनेगी, इनकी तरकीब क्या है। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए मैं आज आपको ये सब्जियों वाले चावल बता रही हूँ, क्योंकि वो चिकन वाले भी बनते रहते हैं, गोश्त वाले भी, हर तरह के बनते हैं घरों में। तो मैंने कहा सीज़न की सब्जी है, हाँ जी बिरयानी भी सीज़न की सब्ज़ी है, ये ज़रा से ना थोड़े से मुख्तलिफ से हो जाएंगे। तो ये मैंने ऑयल डाल दी है इसमें, ठीक है। ये एक प्याज, बड़ा सा मैंने प्याज ले लिया, ये देखें, ये मैं ना चूल्हे पर रख देती हूँ, ठीक है। ये मैंने ना आधा किलो गाजरें ले ली हैं, आधा किलो नहीं, दो बड़ी बड़ी गाजरें ले ली, ये समझे आप, आधा किलो मतलब एक आइडिया अगर हम, हाँ ठीक है, आधा किलो, हाँ जी। ये मैंने आलू ऐसे काटे हैं, ये देखिए, किसी भी शेप में मतलब काट, हाँ जी, सकते वो है। अपनी पसंद के मुताबिक आप कर सकते हैं। ये मैंने गोभी काटी है, थोड़ी थोड़ी मोटी सी रखी है, फूल गोभी, हाँ जी फूल गोभी, ये नज़र आए, ठीक है। ये तो ये मैंने मटर, तो हरी मिर्चें मैंने बीच में काट दी, ठीक है। तो ये मैंने ना दो डेढ़ चम्मच नमक का, एक चम्मच जीरे का, ये दादरी मिर्चें, गरम मसाला मैं डालना भूल गई, गरम मसाला मैं डाल देती हूँ, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने चार स्पाइस ली हैं, गरम मसाला, नमक, जीरा, दादरी मिर्च और वेजिटेबल्स हमने देखा। अगर इसके अलावा कोई और वेजिटेबल कोई ऐड करना चाहे तो वो भी डाल सकता है, मतलब आप, हाँ जी, अगर आपको कोई और भी सब्जी पसंद है तो वो भी डाल लें आप, ठीक है। तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपको एक आइडिया दे दिया, रेसिपी शेयर कर दी हमने आपके साथ, तो आप लोग उसको बना सकते हैं, जो सी वेजिटेबल आपको पसंद है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, इधर तो हमारे ये लहसुन अदरक भी डाल लें, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लें, ये हमारे ना इधर डेगे भी बनती हैं सब्जी वाले चावलों की, मतलब वेजिटेबल जो पुलाव है वो भी तैयार होता है। ये ना हमारे इधर मतलब सब्जियों वाली डेगे भी पकवा लेते हैं लोग, मतलब चावल, चावल मतलब वो भी बनते हैं, इधर गोश्त भी बीच में डाल लेते हैं अगर डालना हो चिकन वगैरह। मैं वैसे दिखा रही हूँ, कई नहीं गोश्त खाते ना, लेकिन हम लोग आज सब्जियों वाले चावल ही बना रहे हैं, हम लोगों ने ये जो सब्जियां की सारी हम लोगों ने ऐड की हैं इसके अंदर, तो अब हम लोगों ने प्याज बनाए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे जो मैं आपको बताती हूँ। मेरे तो हाथ का सब पसंद करते हैं खाना, इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे, आपके हाथ का भी सब पसंद करेंगे, आप लोगों को भी दाद मिलेगी, हाँ और आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, और आप लोग उस तरह की रेसिपीज ट्राई करते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, हमें आपकी कमेंट्स के जरिए पता चलता है, और सबका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हमें सपोर्ट करते रहे। तो हम लोग यहाँ पर प्याज ब्राउन कर रहे हैं, प्याज ब्राउन हो जाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने जो हमारी ये आज की वेजिटेबल राइस की रेसिपी उसको कैसे तैयार करना है। प्याज ब्राउन हो गया तो हम लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, ताकि जो उसका प्याजों का कलर है वो निकला है। ये मैंने टमाटर का वो मटर डाल दिया, मटर और हरी मिर्च हम लोगों ने ये डाल दी इसके अंदर। अब हम लोगों ने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, एक चम्मच हम लोगों ने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अच्छी तरह से उसको भुनेंगे हम लोग, क्योंकि आज की तरफ हमारी रेसिपी है वेजिटेबल राइस, वेजिटेबल से हम लोगों ने पहले जो है वो मटर डाल दिए हैं, और थोड़ा सा इसे भूनते हैं, फिर मसाले में डालते हैं, इसका रंग भी निकल आएगा। तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसको भूना, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया है, और हम लोगों ने मटर भी डाल दी है, तो इसकी किसी से भुनाई करने के बाद जो स्पाइसेस हम लोगों ने आपको दिखाए हैं वो इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे। तो ये बस उम्मीद करते हैं कि आज की जो सी हमारी रेसिपी वेजिटेबल राइस, वेजिटेबल पुलाव भी हम उसको कह सकते हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप इसे उसको ज़रूर बनाएं, हमें अपनी फीडबैक दें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको इस तरह की जो सी मज़ीद अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन वीडियोज़ के अगर आप लोग को चाहिए और आपको टाइमली चाहिए क्या हम यहाँ पर वीडियो लगाएँ और आपको मज़ेदार सी जो उसकी रेसिपी है वो मिल जाए, तो उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। अच्छा, ये हो गए, अब मैं ना इसमें ये सारे मसाले जो हमने, अगर हमारी वीडियो को हमने को पूरा देखा था तो पता होगा हमने कौन कौन से स्पाइस लिए हैं और उनकी मिकदार क्या थी। तो हम लोगों ने मटर थोड़े से भून लिए, उसके बाद हम लोगों ने शामिल किए हैं, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब्जी अभी हम लोग डाल देंगे, मतलब थोड़े से मटर हो जाए ना। अच्छा, तो ये साथ ही ना फिर गाजरें डालते हैं,
ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसके अंदर वो गाजरें डाल देंगे। मटर पहले हम लोगों ने पका लिए, क्योंकि आपको पता है जो मटर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगना था इन्हें, तो वो हम लोगों ने पहले डाल दिए, इसके बाद हम लोग इसके अंदर गाजरें डालते हैं। हाँ जी, ये मैंने ना गाजरें भी डाल दी, गाजरें भी डाल दी हैं। वाह, कितना प्यारा लग रहा है दिखने में। अब गाजरें भूनते हैं तो साथ ही ना गोभी डाल देंगे, गोभी। बाकी जो से हमारी सब्जियां गोभी आलू है वो भी हम लोग डाल देंगे। हम लोगों ने फिलहाल इसके अंदर जो से है मटर गाजरें वो डाल दी हैं, तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर गोभी और आलू डालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब ये जो हमारे मटर और गाजरें थोड़ी सी पकी हाफ कुक हो गई हैं, तो अब इसके बाद देखिए आप इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो से हमारी अब सब्ज़ी बाकी है, हम लोगों ने गोभी और आलू वो भी इसमें शामिल कर देने हैं। तो खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आने लग गई है। तो इसके बाद जो है हम लोगों ने है इनको पकाना है, और फिर इसके बाद जो हमारे चावल हैं जो हमारी मेन रेसिपी, उसको हम लोगों ने चावलों को भिगो दिया, उसको हम इसमें शामिल करेंगे और एक कनी लगा कर उसके दम पर लगा देंगे। तो फिर हम लोग भूनेंगे पकाएंगे फिर उगलने के थोड़ी देर रख देंगे ये जो गोभी और आलू हम लोगों ने लिए। बस ये पानी में हो जाएंगे, ये आलू भी, आलू भी। अब हम लोग इसके अंदर पानी डालेंगे जितने मतलब चावलों के हिसाब से, थोड़ा सा भूनना है। ठीक है, थोड़ा सा भूनने के बाद हम लोग इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, जितने आपके चावल उससे दुगना पानी मतलब पड़ता है वो तो आप लोगों को पता है। इसके अलावा आप लोग अपनी पसंद की भी कोई सब्ज़ी अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, ग्रीन रेड वाइट येलो सब्ज़ियाँ मैंने खुली डाली हैं इसमें। सब्ज़ियाँ हम लोगों ने डाली हैं खुली, और वो मतलब अच्छी लगेंगी चावलों में, तो ज़रा एक टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, बस दो मिनट भून के ना फिर पानी डाल देते हैं इसमें। इतना प्यारा लग रहा है दिखने में ये, और सारी सब्जियों की शेप का पता चल रहा है कि मतलब गोभी आलू गाजर मटर, तो आप लोग अपनी पसंद से शेप में काट सकते हैं, लेकिन इतना मतलब उसको छोटा छोटा भी ना कर दे कि उसकी कोई शेप की समझ नहीं लगे, पता नहीं चले कि वेजिटेबल कौन कौन सी जो सी वो चावल के अंदर शामिल की गई हैं। तो अब ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं हमने इनको अच्छी तरह से भून लिया, उसके बाद हम लोगों ने पानी शामिल कर दिया और पकने के लिए रख देंगे इसको। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने एक उबाल दिलाना है, एक उबाल आने के बाद हम लोग इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे, क्योंकि चावल हम लोगों ने भिगो दिए थे। तो मतलब साथ ही आप इधर जो सा है इसकी भुनाई का काम शुरू कर दे सब्जियों की, और एक तरफ आप चावल भिगो दे, तो इस तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो जल्दी से जो सी आपकी रेसिपी वेजिटेबल राइस की ये तैयार हो जाएगी। तो इसको हम लोगों ने एक उबाला दिलाना है, उबाला दिलाने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो चावल है वो शामिल कर देना। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और आप लोगों ने हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना है, कहीं नहीं जाना, देखना कि मज़ेदार से मतलब वेजिटेबल राइस की जो रेसिपी है वो कैसे फाइनल होगी। तो व्यूअर्स, अब हम लोग इसके अंदर चावल शामिल कर रहे हैं, पानी के जो सा उबाला आ चुका है, हम लोगों ने इसको उबाला दिलाने के बाद चावल शामिल कर दिए हैं। तो अब हम लोग बाद में इसके जो एक कनी रह जाएगी उसको दम पर लगा देंगे, तो उसके बाद फिर जो से हमारे मज़ेदार से आज की रेसिपी मतलब वेजिटेबल राइस है वो तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, ये मसाले सारे डाल दिए हैं, पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर, कलर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हाँ जी, नमक थोड़ा सा कम लगा मुझे। तो हम लोगों ने पानी खुश करने के बाद हम उसको दम पर लगा देंगे, तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही। तो आप लोग उसको ट्राई करें, हमें अपनी फीडबैक दे, बताएं कि जो रेसिपी हमने आपके साथ शेयर किया वो कैसी लगी है, और इस तरह की अगर मज़ीद कोई आप रेसिपी सीखना चाहते हैं हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी की जाएगी। हाँ जी, मैं ना मिक्स करती हूँ इसे, बस थोड़ा सा पानी रह गया वो भी सूख गया। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, सब्जियाँ कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, और उनकी शक्ल बरकरार है। सबसे अच्छी बात है कि मतलब पता चल रहा है आलू मटर हर चीज़ की शेप हमें समझ लग रही है कि हम लोगों ने कौन कौन सी सब्जी इसके अंदर शामिल की। हाँ जी, बिल्कुल गल नहीं गई, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इसका छोटा छोटा सा काट लेते हैं बारीक बारीक। अगर आप चिकन भी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं इसमें। हाँ, चिकन से तो मतलब, लेकिन हाँ डाल तो सकते, लेकिन आज की क्योंकि रेसिपी वेजिटेबल की थी। हाँ, आप लोग अपनी जैसे एडिशन कर सकते हैं, हमें आपको बेसिक छोटी छोटी सी बोटी करके ना तो एक चाइनीज टच भी हो जाएगा फिर इसके साथ। तो फिर हम लोगों ने आज आपको सिखा दिया रेसिपीज के साथ, आपने जो मतलब और एडिशन करनी है कोई वेजिटेबल्स की या कुछ समथिंग आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब हम लोग उसको दम पर लगा देंगे, पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, तो एक कनी रह गई चावलों के अंदर, अब हम लोग उसको दम पर लगा रहे हैं और आपको दिखाते हैं।
10 मिनट के लिए दाम। तो अब हम लोगों ने 10 मिनट के लिए दाम पे लगा दिया, 10 मिनट के बाद आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं जगह देखना है मज़ेदार सी जोन से वेजिटेबल राइस है, इसका फाइनल लुक क्या होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये चावल हमारे तैयार हो गए, खिले खिले से हमारे चावल हैं, हम लोगों ने बना लिए। देखिए सब्जियाँ भी गल गई बहुत अच्छे से और धुआंधार गर्मा गर्म ये चावल हमारे तैयार हो गए। इसको हम दही के रखते साथ सर्व करेंगे, तो आप लोग इसको दही की चटनी के साथ जिस तरह भी है आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। तो बहुत से हमने चावलों की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई, तो आज हमने आपके वेजिटेबल राइस की रेसिपी भी सिखा दी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हमने डिश आउट कर लिए, ये देखिए सब्जियाँ भी साथ आ रही हैं सर, ये देखिए माशाल्लाह। तो ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह 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 कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, गाजरें भी नज़र आ रही हैं, मटर भी, आलू भी, और गर्मा गर्म जो सा हमारा सब्जी वाला पुलाव है वेजिटेबल पुलाव, और ये सब्जी वाले चावल हमारे तैयार हो गए हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए हमें फीडबैक दे, इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी ना सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब आप लोगों से चाह सकते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।